चुनावी बिगुल बज चुका है, राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। हम रायपुर लोकसभा में खड़े हैं और रायपुर लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जहां 8 बार के विधायक और मौजूदा सरकार के मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सत्ता में हैं और उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। एक और चेहरा है, युवा है, तेज तर्रार है, जमीनी स्तर का नेता है और जमीन पर काम भी करता है, उसका नाम है विकास उपाध्याय। एक बार विधायक रहे, दूसरी बार चुनाव हार गए, इन दोनों के बीच टक्कर है। एक ये कह रहा है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं लंबे अंतर से जीतूंगा, एक ये कह रहा है कि मैं जीत हासिल करूंगा, अंतर की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो अब समझते हैं और उस जनता के बीच चलते हैं जो वाकई जनार्दन है, जो मतदान करती है, जो वोट डालती है, और जो वोट डालती है उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। महिला सबसे बड़ी आबादी है छत्तीसगढ़ की। एक बार रुक जाइए, एक बार बताइए, चुनाव आ गया है दोबारा, दो लोग मैदान में है, एक विकास उपाध्याय और एक ब्रिजमोहन अग्रवाल, कौन बेहतर है? वो तो अपने अपने काम के हिसाब से, हमें ऐसे बता तो नहीं सकती अभी। किसका काम बेहतर लगा? 5 साल भूपेश बघेल भी रहे, अब फिर बीजेपी आ गई, कौन बेहतर लगा? नहीं, बीजेपी ठीक लगा। बीजेपी ठीक लगी, मतलब ब्रिजमोहन अग्रवाल का काम ठीक है। जी जी। बेटा बुलाने आ गया, मम्मी को लेट हो रहा है, आप देखो। एक बार आपसे बात करता हूँ, ये बताइए। अरे रुके 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 रुके, कुछ और लोग हैं, क्या चल रहा है? ये शरबत बट रहा है भाई। शरबत बट रहा है कि बन रहा है? अभी बन रहा है, अभी बटेगा थोड़ी देर बाद। ये बोलो ना, ये बताओ, चुनाव का आगाज हो गया, रुको रुको, मेरे को पता नहीं मालूम है, ये बताइए मुझे, दो लोग हैं, एक विकास उपाध्याय और एक ब्रिजमोहन अग्रवाल, कौन बेहतर है? अपने इधर तो कोई, इधर उतना कोई है ही नहीं, एजाज ढेबर के अलावा। ठीक है, एजाज ढेबर के अलावा कोई नहीं। विकास उपाध्याय उसी पार्टी से हैं जिससे एजाज ढेबर है। बस बस वही, और कौन रहेगा? वही बस बस। ठीक है, वही वही। आपसे भी बात कर लूं थोड़ा? ठीक है। देखिए, ये जो शर्माना है ना महिलाओं का, बात ना करना, कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर। बहुत तेजी में था, मैंने कहा रोक ले। तो ये बताइए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, दो लोग चुनावी मैदान में हैं, एक विकास उपाध्याय, एक ब्रिजमोहन अग्रवाल, कौन बेहतर है? बेहतर तो अभी ब्रिजमोहन ही है, उस लोग के हमें टक्कर। अभी क्या चारों विधानसभा क्षेत्र में इसी का विधायक बना हुआ है ना भाजपा का। ऐसा है क्या? अपना रायपुर शहर 4 भाग में बटा हुआ है ना, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों भाग में ब्रिजमोहन ही है। ब्रिजमोहन मजेदार है। कोई खास वजह? कुछ खास तो नहीं है, खास नहीं है, लेकिन ठीक है। अरे बहुत तेजी में, कहाँ के हो? रुको रुको, कहाँ के हो आप? हम लोग काटाबांगी। एक बात तो सुनो। हाँ सुनो। ब्रिजमोहन को जानते हो? हाँ। विकास उपाध्याय को? सब जानता है भैया। कौन अच्छा है? हाँ? कौन अच्छा है दोनों में से? बोल नहीं पाऊंगा भैया। एक आदमी बताओ, एक आदमी। जन नेता की बात है, आप भी रुक जाइए थोड़ा। चुनाव आ गया है दोबारा, एक खत्म हो चुका है, दो लोग चुनावी मैदान में हैं, एक ब्रिजमोहन अग्रवाल और एक विकास उपाध्याय, कौन ज्यादा बेहतर है? वो तो पता नहीं भैया, पर बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस समय। बताना पड़ेगा, आप खुद ही बोल रहे हो, तो बताइए काम किसने अच्छा किया है? अभी तक तो सांसद के लिए तो हम लोग चुनाव, सांसद का ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, सांसद का भी बीजेपी को देते आ रहे हैं, अभी देखेंगे। सबसे देते आ रहे हो? बहुत साल से देते आ रहे, इसके पहले रमेश बैस जी थे तो उनको इतना साल से देते ही आ रहे थे। जिस रमेश बैस की चर्चा ही कर रहे हैं ना, 7 बार सांसद रहे, ऐसे ही लोगों ने बनाया उनको। अब विकास, अब सुनील सोनी आ गए थे, उसके बाद अब आ गए हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, तो कौन है बेहतर? ब्रिजमोहन जी को देंगे, अब ब्रिजमोहन जी को देंगे। हाँ ठीक है, कोई खास वजह की ऐसे? नहीं, अब ब्रिजमोहन बीजेपी का ही है तो बीजेपी को देंगे। अब बीजेपी का है, बीजेपी को देंगे, कुछ हिसाब किताब हो रहा है, पूरा पैसे का हिसाब किताब आप लोग कर रहे हो ना पूरा, कुछ बचा है कि सारा खर्च हो गया है? नहीं बचे भैया। पक्का नहीं बचा है? नहीं। मैंने आपके हाथ में देख लिया, आप झूठ बोल रहे हो। ये बताओ, आप कहाँ के? रायपुर के हो? नहीं, हम कुम्हारी के। कुम्हारी के हो? कुम्हारी मतलब वो दुर्ग जिला। अच्छा ये बताओ, चुनाव का दोबारा लोकसभा चुनाव हो रहा है, आपके यहाँ से दो दो प्रत्याशी हैं, विजय बघेल और एक और साहू जी, कौन अच्छा है? अब देखो बाद में बता, बोला बाद में कब बताओगे, अभी चुनाव हो रहा है ना ही अभी। काम किसने अच्छा किया ये बताओ? सभी अच्छा करा थे अपन हिसाब से। बताना पड़ेगा, जैसे ये ज्यादा अच्छी है तो ये कम अच्छी है ऐसे? नहीं, अपन ही अपन हिसाब से सब अच्छा है, सब अच्छा है। एक को अगर चुनना पड़े तो? देख बोला का है ना, चुनाव में का कहते कौन लोड देना है कौन नहीं देना है, वो अपन घर वाले से अपन बात फिक्स कर लेते हैं, तब
चुनाव हर वाले थोड़े ना फिक्स करेंगे, फिक्स आपको करना, ये गलत है एकदम। देखो अपन देखो हमारे हिसाब से कि देख हमला जेन अच्छा लगी वही वोट दे पुनो में का है। और जिसने काम किया उसको नहीं दोगे? काबर नहीं दे बोता, काम कर ही तेने तो अच्छा लगी का। कौन अच्छा लग रहा है अभी? ना अभी नहीं सुनन। ये जागरूक मतदाता है लेकिन 50-50, घर से भी पूछूंगी और जो अच्छा लगेगा उसको भी दूंगी। आप ये बताइए, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इधर आइए। लोकसभा का बिगुल बज गया है, दो लोग प्रत्याशी हैं, कौन बेहतर लगता है? देखो जो देश के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए वोट करेंगे। इशारा मैं आपका समझ रहा हूँ, आप नरेंद्र मोदी की तरफ कर रहे हैं। वो तो हर आदमी समझता है जो काम कर रहा है देश के लिए, वो हमारे लिए है। तो मतलब वही है। हाँ, रायपुर में कौन खड़ा है कोई मतलब नहीं है। वो तो अग्रवाल साहब हैं, उनको ही मिलेगा वोट। उनको मिलेगा, मतलब चेहरा मोदी जी हैं और अग्रवाल साहब जी। देखिए ये एक बड़ी बात है नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब शहरी आबादी की तरफ आप आते हैं तो नरेंद्र मोदी की चर्चा ज्यादा होने लगती है। कुछ और लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा बताओ आप कहाँ से आए हो? नहीं दो मिनट आप बस। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ब्रजमोहन अग्रवाल को जानते हैं, विकास उपाध्याय को? कौन दोनों में से बेहतर है, मतलब कौन अच्छा है? आप बताओ अपने मन से, कौन अच्छा है बताओ। आप बताओ ना कौन अच्छा है, ये अच्छी है कि अच्छा है, ऐसे एक आदमी अच्छा होगा ना, कौन अच्छा है? क्या क्या नाम बोलो? ब्रजमोहन अग्रवाल या विकास उपाध्याय, कौन अच्छा है? पहले बोले वो वाले। ये सीधे ग्रामीण है तो उतना नहीं समझते, लेकिन जो मैंने पहले बोला तो इनको ये पता है, अपना नेता चुनना है पहले पता है। आपसे बात करें थोड़ा सा, एक मिनट बोलिए, आप लोग पढ़ते हैं क्या? एक सेकंड भागी पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मैथ्स। हमें बिल्कुल नहीं आता था लेकिन कैलकुलेशन आती है। ये बताइए चुनाव है लोकसभा का भी पता है, कौन सा नेता देश में पसंद है? अभी तो फिलहाल नहीं पता, अभी तो फिलहाल उतना। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। नरेंद्र मोदी को जानते हो, राहुल गांधी को जानते हो, कौन दोनों में से अच्छा लगता है? दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं। ऐसा नहीं हो सकता। एक बताइए, एक दोनों ही बेस्ट हैं। दोनों बेस्ट हैं। ये पॉलिटिकल साइंस, ये देखिए नाइन्थ की गुड़िया है लेकिन दोनों नेता पॉलिटिकल आंसर है ये। आप कहाँ रुको, थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बताइए लोकसभा चुनाव है, कौन बेहतर है? कैसे मतलब कौन अच्छा कैंडिडेट है, विकास उपाध्याय की ब्रजमोहन अग्रवाल? ब्रजमोहन अग्रवाल ठीक है। मोहन कोई खास वजह है? अब लंबा समय से वो किया है और अच्छे भी उसके कार्यकाल थे वैसे, और क्या, इसीलिए ठीक है। श्रीमती जी से ही बात कर लूँ थोड़ी? अच्छा ठीक, श्रीमती जी शर्मा नहीं है लेकिन इनको आप बोलिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव निपट गया है, जो वोट करने जाएंगे वो काम के आधार पर जाएंगे कि व्यक्ति विशेष पसंद है इसलिए जाएंगे? काम है तो जाएंगे। तो काम किसने किया है? श्रीमती जी देखो बहुत शर्मा रही हैं, ये से थोड़ा इनको सिखाओ भाई क्या करना है। दुकान में थोड़ा चल देते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि दुकान में है थोड़ी भीड़, और भीड़ है तो थोड़ा आप दो मिनट एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा दो मिनट आप बात करेंगे? नहीं नहीं करेंगी। एक बात बताओ, एक सेकेंड रुको, ये बताओ कि लोकसभा में कौन बेहतर है, ब्रजमोहन अग्रवाल की विकास उपाध्याय? ब्रजमोहन अग्रवाल। कोई खास वजह? अरे यहाँ वातावरण रायपुर सिटी के हिसाब से मतलब ब्रजमोहन अग्रवाल बहुत अच्छा। मोदी का चेहरा नहीं काम करेगा? मोदी का चेहरा भी काम करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। और राहुल गांधी का चेहरा नहीं काम करेगा? ऐसा क्यों? ऐसा है ना आज के देश के हिसाब से, देश की चिंता है। देखिए देश की चिंता है, देश के हिसाब से बता रहे, ये जो भागते हैं ये बड़ी समस्या है। आप ही बताओ, ये बता कहाँ क्या है? मैं पढ़े नहीं हूँ सर, काला पता हूँ। कोई बात नहीं, पढ़े नहीं हो, पैसा दे रहे हो पूरा, पैसे का हिसाब है, पढ़े नहीं हो बताते हो, कहाँ से आए हो? मैं छेड़ी खेड़ी से। छेड़ी खेड़ी से। ये बताओ मुझे कि ब्रजमोहन अग्रवाल को जानते हो? विकास उपाध्याय को? कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा है? दोनों अच्छे वाली कहानी ना बहुत विचित्र है ये, दोनों अच्छे। अरे सब दुकान में, एक बार रुको 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 रुको, चुनाव है लोकसभा का, जानकारी है ही, किसने बेहतर काम किया है, कौन नेता पसंद? मोदी जी। मोदी जी, एक लाइन, मोदी जी क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? ये तो मैं अभी तो बोल नहीं पाऊंगी मैं कुछ। अच्छा, चलो ठीक है। मोदी जी का कोई एक काम बताइए।
सबसे फर्स्ट तो घर घर शौचालय बनाए, बहुत अच्छा है क्योंकि हम गांव से हैं, बहुत बढ़िया काम किया है और सारे काम उसके बहुत बेहतरीन हैं। इतना अच्छा तो अभी तक कोई नेता नहीं कर पाया है। काम गिनवाइए ना। अच्छा काम गिनवाए, क्या क्या काम गिनवाए, काम तो बहुत सारा किए हैं तो भाई अब आपको याद ही नहीं है। नहीं याद तो है, क्या मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ ना। ये आपकी गुड़िया है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ हूँ। अच्छा कहाँ है आपके यहाँ भाई साहब? वो उधर खड़े हैं। हेलो आप आइए। हेलो, ये यही बता पाएंगे लग रहा है? नहीं आप भागेंगे नहीं, आप भी बताएंगे। ये मोदी जी की तारीफ कर रही थी, हमने कहा काम तो गिनवा दीजिए, काम नहीं गिनवा पा रही है आपकी श्रीमती जी, आप काम गिनवाइए। अब क्या काम गिनवाऊं भैया, आपके सामने ही दिख रहा है पूरा। मेरे सामने नहीं, आप बताएंगे। बिजली पानी की व्यवस्था करी है, पहले नहीं थी। मंदिर बनवाए हैं, राम जी का मंदिर बनाए हैं, इतना भव्य है ना, लोग वहाँ जा जा के दर्शन कर रहे हैं। आप गए? बस मेरी माता जी गई है। माता जी गई? माता जी, मेरी माता जी गई है। इनको ले जाओ, इनको काम का थोड़ा काम। देखो मोदी की चर्चा है, मोदी के काम की चर्चा, लेकिन काम जब गिनवा रहे तो श्रीमती तो फंस गई, लेकिन जो भाई साहब थे श्रीमान थे, उन्होंने आके थोड़ा संभाल लिया मामले को। ठीक है, ऐसे कुछ और लोग हैं, उनसे कोशिश करते हैं। एक बार मैं आपसे एक लाइन का सवाल पूछूंगा, लोकसभा चुनाव है, जानकारी है, कौन नेता पसंद है? मुझे मोदी जी। कोई खास वजह? हाँ सारी वजह है, बहुत अच्छे हैं। वजह गिनवाइए, अब मेरे को थोड़ा काम गिनवा दीजिए। अब काम नहीं गिनवाऊंगी लेकिन मोदी जी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा तो बताइए। अरे भैया मोदी जी ही है, काम नहीं गिनवाऊंगी लेकिन। क्या नहीं किया? अच्छा उन्होंने बताइए, आपसे पूछ तो रहा हूँ, थोड़ा बताइए। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, क्या नहीं किया उन्होंने, क्या क्या किया? सब कुछ तो किया है उन्होंने, कुछ एक चार पाँच मेरी थोड़ा जानकारी को बढ़ा दी। नहीं नहीं भैया ये सब नहीं बताऊंगी, लेकिन मोदी जी पसंद है, इनको भी मोदी जी पसंद है। अच्छा ये आपने डाल दिया, अरे रुको 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 रुको, देखिए नहीं बोल पाएंगे लेकिन मोदी जी पसंद है। अब जो मोदी जी पसंद है, मोदी जी क्यों पसंद है, ये लोग क्यों बता रहे हैं? आप पढ़ते हो? हाँ जी। अरे रुको 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 रुको, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर कौन सी स्ट्रीम से? बीबीए। बिजनेस कुछ मैनेजमेंट ऐसे कहा ना, बीबीए, ठीक है हमने भी किया लेकिन हम एमबीए कर लिए थे। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ देश में कौन सा नेता पसंद है? मेरे को कोई नेता नहीं पसंद है क्योंकि किसी का काम सही नहीं है, बस वोट के समय सब मतलब एकदम काम दिखाते हैं फिर गायब। ये गायब जो पसंद है? नहीं इनके पास आऊंगा मैं, रुको। अच्छा मुझे बताओ छत्तीसगढ़ में रायपुर गई हो? हाँ। रायपुर में कौन सा नेता पसंद? मेरे को तो भाई जी आए हैं, देखते हैं। साहू जी, हाँ साहू जी, हाँ हाँ ठीक है। साए साए, हाँ। अच्छा मुझे बताओ अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में दो अलग अलग प्रत्याशी हैं, एक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, एक हैं विकास उपाध्याय, उनमें से कौन पसंद है? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन मास्क पहन के ना पूरा ये गेम बिगाड़ रही है। ये बताओ देश में लोग मोदी की चर्चा कर रहे हैं, कोई राहुल गांधी की चर्चा कर रहा, तो वो मतलब मोदी आप अभी बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, आप बताओ हाँ राहुल गांधी क्यों खराब? उनका मैनेजमेंट, नहीं मतलब उनका मैनेजमेंट समझ ही नहीं आता, मतलब उनको बोलने का तरीका वगैरह होता, स्पीच वगैरह जो ऑनलाइन देखा होता समझ नहीं आता। मोदी का सही भी है थोड़ा, लेकिन अभी आपने कहा अच्छा नहीं है, मोदी भी नहीं अच्छा? नहीं मोदी, मैंने कहा बोला मोदी अच्छा है, नेता अच्छा नहीं है, ऐसा बोला तो वो मतलब कोई सही काम नहीं करते ना। मैं मतलब ठीक है मोदी ठीक है, पता नहीं मेरे को इतना पॉलिटिकल के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट ठीक है। ये बीबीए की छात्रा है, राहुल गांधी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं लग रहा, तो अब ये उनका मैनेजमेंट संभालेंगी भविष्य में, ये आपकी सखी है, है? अच्छा ये बताइए कि देश की जो स्थिति है, राम की चर्चा हो रही है, धर्म की चर्चा हो रही है, क्या उस सब का इन चुनावों पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम लेकर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। होना चाहिए देश? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब धर्म एक है, आप मानोगे तो सब एक है, नहीं मानोगे तो फिर सब अलग अलग है। मानना चाहिए कि नहीं हम सब एक है, एक इंडिया पे रह रहे हैं तो सारे सब एक साथ मिलके रहना चाहिए, बिल्कुल भी। ऊपर मस्जिद बन रहा है तो फिर मंदिर के ऊपर मस्जिद है तो इंसान क्यों भाई? ऐसे पांच काम बताइए नरेंद्र मोदी के जो आपको पसंद आते हो। दोनों को मैंने टास्क दिया है, मेरे को नहीं पता ये तो तुम बताओ। हाँ उनको बुलेट ट्रेन, नोटबंदी ये भी सही है, बुलेट ट्रेन उन्होंने लाया ये भी सही है, और बाकी वंदे वंदे भारत, हाँ बाकी बाहर वाले को भी इंडिया में बिजनेस करने के लिए मौका दे रहे हैं। अयोध्या सबसे बड़ा काम राम मंदिर उन्होंने किया, कश्मीर को अपने हवाले किया, छह काम हो गया। तो हम चाहते हैं मोदी जी भी आए, मोदी जी ही आए।
देखिए ये काम गिनवा रहे हैं, जब कोई अपने नेता का काम गिनवाता है तो उसका मतलब स्नेह ज्यादा होता है। और ये राहुल गांधी का, आपका नाम सोनिया, सोनिया राहुल गांधी का काम मैनेजमेंट संभालने की चर्चा करें कि मैं संभालूंगी, इस तरह की चर्चा। और जब इस तरह की चर्चा है तो कुछ और लोग हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बाजार जा रहे हैं, शास्त्री मार्केट। अच्छा ठीक है, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहीं के हैं। लोकसभा का चुनाव है, कौन बेहतर लग रहा है इस बार लोकसभा में? बीजेपी ही आएगा। और बीजेपी आएगा ऐसा नहीं, कोई वजह बताइए। वजह सब चीज किया है तो आएगा ही ना। अभी जो महिला वंदना में दिया है 1000 महिला लोग को दे रहे हैं, उससे पहले मोदी बहुत से काम किए हैं। मेरे को 5 काम गिनवाइए। एक तो पहले राम मंदिर बनाया, ठीक है, एक हो गया। दूसरा ये महिला के लिए काम किए जो हो गया है नहीं? हाँ। और तीसरा यानी जो गरीबों किसानों को जो मकान बना के दिया, तीन हो गया। दिया ना मकान बना के। और चौथा किसानों को जो बोनस दे दिया रुका हुआ। बोनस पूरे देश में नहीं दिया ना, छत्तीसगढ़ में दिया। तो यहाँ का वायदा यहीं देगा ना, वहाँ तो नहीं किया था। छत्तीसगढ़ का वायदा, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, तो देश के हिसाब से राम मंदिर का फायदा मिलेगा। 5 हो गया। आपको कौन पसंद है? हो गया ना, हो गया, बस हो गया। वही छह, वही छह, ये गलत है। शर्माओ मत यार, ये क्या तरीका है? कौन पसंद है? कौन पसंद है मतलब? बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी पसंद है। ये तमाम मत हैं लोकसभा चुनाव के, और ये मत इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इस मत के आधार पर मतदाता अपना मन बाहर लाता है और उस मन से ये बताता है कि ये मेरा नेता है और ये मेरा नेता होगा। नरेंद्र मोदी की जब चर्चा होती है तो 5 काम गिनाने में कई बार स्थिति ये होती है कि लड़खड़ा जाती है। कुछ ने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी का मैनेजमेंट थोड़ा लड़खड़ाया हुआ है, उस मैनेजमेंट को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कुछ ने ये भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी काम तो बेहतर कर रहे हैं लेकिन उन कामों को नहीं बताया जा सकता। कुछ ने ये भी कह दिया कि ब्रजमोहन अग्रवाल मुफीद कैंडिडेट हैं, बीजेपी को हम कब से वोट दे रहे हैं जब बीजेपी कुछ नहीं थी। तो इन मतों के आधार पर मतदाता अपने मन की बात बता रहा है कि भविष्य में जाके वो इस व्यक्ति के साथ और इस पार्टी के साथ जाएगा। एक बात साफ हो गई है कि जिस तरीके से जो चुनाव है उसमें बीजेपी बढ़त तो बताती हुई दिख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और लोकसभा में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।